नमस्कार दोस्तों, विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, कल हमने बहुत क्लियरली एनालिसिस किया था कि बाजार में क्या होने वाला है, और हम लोग बहुत क्लियर थे कि बाजार में अगर कोई भी पुल बैक आएगा तो वो फिर से एग्जिट अपॉर्चुनिटी होगी। ये हमने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था। आइए देखते हैं झलक की हमने क्या किया, और आने वाले इस वीडियो में हम लोग आगे और बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा टाइम पे मिले। चलिए देखते हैं हमने आगे इस वीडियो में क्या क्या एनालिसिस हमने आज किए थे आज की मार्केट के बारे में, और वो कितने सटीक सिद्ध हुए। और फ्यूचर निफ्टी ने मार्च में जो लो लगाया है 11116 का, सिंगापुर निफ्टी जो ट्रेड होती है, वहां जो फ्यूचर निफ्टी ट्रेड होती है, वहां पे निफ्टी ने 11020 के आसपास का लो लगाया है। कोरोना वायरस अभी भी पूरे संसार में फैल रहा है, चाइना बहुत कंसर्न है। चाइना ने अपने जो WHO है वहां पे एक अपील की है कि प्लीज आप हमें बचाइए। चाइना की अपील है WHO को कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है तो बाजार मंडे को भी, अगर पूरा वर्ल्ड पैनिक में रहता है, सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं माना जाता है, तो ये पैनिक सेलिंग बाजार को और नीचे लेके आ सकती है। 11000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी टूट सकता है। 11000 का बहुत ही साइकोलॉजिकल और डेटा वाइज बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो अगर मेंटेन होता है तो भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। बाजार में से फिर से सेल करके बाहर आना चाहिए, अभी बाजार में पॉजिटिविटी नहीं है। दोस्तों, बहुत क्लियर ये इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि अगर किसी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आती भी है तो वो एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी होगी, दोबारा से बाजार में बिकवाली ही देखने को मिलेगी। चलिए चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट में क्या हुआ। हम देख लेते हैं, सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक दुखद बात ये भी रही कि दिल्ली में भी कोरोना वायरस का अटैक की न्यूज आई है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, वहां पे शायद 2 केसेस डायग्नोज हुए, जिसकी वजह से बाजार ने शायद इसको बिल्कुल भी पॉजिटिवली नहीं लिया और बाजार में यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिली। बट ये सब न्यूज हमें नहीं पता होता है, न्यूज आने वाली होती है, हमें डेटा का एनालिसिस करना आना होता है। डेटा कह रहा था कि अगर कोई भी पुलबैक आता है तो उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। देखिए, लोग बड़े खुश हो गए थे, 150 पॉइंट के आसपास बाजार खुल गया, ऊपर चला गया। निफ्टी ने हाई जो लगाया, देखते हैं 11416 का हाई लगाया, मतलब 400 पॉइंट निफ्टी तेज हो गई थी। मतलब कल 200 के आसपास में बंद हुई थी कल की क्लोजिंग, और वहां से 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी तेज हुई। तो लोगों को लगा कि यहां तो हरियाली आ गई, बाजार में बहुत तेजी आ गई। दोस्तों, हमारे एनालिसिस बिल्कुल सटीक थे, हम क्लियर थे कि हमें माल दोबारा बेचना है। वो देखिए, जबरदस्त 15 मिनट की कैंडल लगी हुई, 1 2 3 4 5 15 मिनट की 5 कैंडल में बाजार पूरा 400 पॉइंट नीचे उतर गया। मोटा मोटा देखा जाए तो 600 पॉइंट के आसपास की निफ्टी की रैली है। दोस्तों, कहां मिलेगा इतना सटीक एनालिसिस आपको? कितनी मर्जी स्टडी करते रहिए, कितनी मर्जी स्टडी, जब तक आप डेटा को रीड नहीं करेंगे, आपको साथ में चार्ट एनालिसिस अच्छा नहीं करना आता होगा, नहीं हो सकता, ये कभी भी संभव नहीं है। हम बिल्कुल क्लियर है, 11000 का एक मेजर सपोर्ट है, आज बाजार उसको नहीं तोड़ा। पहले बाजार ने 11000 के मेजर सपोर्ट को नहीं तोड़ा, वहां से एक पुलबैक रैली दी, पुलबैक रैली वापस से नीचे आई, जो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, हमने कहा था वहां से निकल जाएगा। मतलब आप स्टेटमेंट नोट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ऐसा लगता है कि बाजार हमारे ट्यून्स पे नाच रहा है। कहां मिलेगी ऐसी एग्जैक्ट स्टेटमेंट कि 11000 नहीं टूटेगा? सिंगापुर निफ्टी 11020 के आसपास टच हुई थी, और हमारी निफ्टी ने जो आज लो लगाया है, देखिए 11023 रुपए, 11023 का लो हमने लगाया है। इससे बड़ी चीज हो सकती है? नहीं हो सकती। 11023 का लो लगाने के बाद 11093 पे क्लोजिंग हुई है, छोटी सी शॉर्ट कवरिंग रैली, फिर से पुल बैक आया। ठीक है, बड़ी पोजीशंस बिकती है तो कुछ लोग अपनी पोजीशंस काटते भी हैं, शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, पुल बैक आता है, बट इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, जो कैंडल स्टिक्स को स्टडी करना जानते हैं, बहुत क्लियर है कि सेंटिमेंट नेगेटिव है। ठीक है, पुल बैक तो आया है, बट सेंटिमेंट नेगेटिव था, ये बिल्कुल स्क्रिप्ट थी, ये बाजार शुरू होने से पहले स्क्रिप्ट आपको दे दी गई थी। चलिए, इसको गिराने वाले कौन रहे, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की भी बिल्कुल चार्ट बिल्कुल वैसी ही है, मतलब हूबहू आप देख सकते हैं कि बैंक्स ने इस रैली को लीड किया, जो शॉर्ट रैली थी, जो बाजार में मंदी की रैली थी, इसको बैंक्स ने लीड किया। HDFC बैंक का चार्ट भी बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। रिलायंस में भी आपको वही फॉल दिखाई दिया बहुत अच्छे से। और अब देख लेते हैं, अगर हमें आगे के लेवल्स निकालने हैं, आगे के लेवल्स क्या निकल के आते हैं। दोस्तों, मैं अपने टूल को इस्तेमाल करूंगा इस चीज के लिए, और आपको आपसे गुजारिश रहेगी कि थोड़ा सा इसमें धैर्य दिखाइए ताकि आपको इसके मैं लेवल्स दे सकूं।
दोस्तों जो निफ्टी के लेवल्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूं कि निफ्टी में अगर अभी भी 11,000 का ही ये मेजर सपोर्ट रहेगा, ये मेरी एनालिसिस है, प्लीज अपना ट्रेड इनके बेसिस पे लेना है या नहीं लेना ये आपको तय करना है, अपने एडवाइजर से पूछें, अपनी स्टडी करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, 11,014 का बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट रहने वाला है। अगर वो मेंटेन होता है फिर से तो फिर से एक पुलबैक रैली आएगी जो 11,300 तक इसको लेके जा सकती है। 11,300 के बाद में निफ्टी हर्डल फेस करेगी 11,434 के आसपास का। 11,434 अगर पार होता है शॉर्ट कवरिंग रैली 650 तक उसको लेके चली जाएगी 11,651 तक। बट फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज होगी, बाजार में अभी बाइंग का सेंटिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज ध्यान से ही काम करें। 11,014 के टूटने के बाद में 10,840 एक बहुत ही बहुत क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। 840 अगर टूटता है, मैं फिर से बोलता हूं 10,650 और उसके बाद 10,365 ये लेवल निकल के आते हैं निफ्टी के। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, कितने महीनों से कहता आ रहा हूं कि खाली 20% कैपिटल से ट्रेड कीजिए, 80% कैपिटल वैल्यू बाइंग के लिए रखिए। ये वैल्यू बाइंग का मौका है। मैं कब से कह रहा था कि फरवरी के बाद, बजट के बाद, मार्च के बाद मैं पोजिशन लगूंगा, फरवरी मार्च में अपना पोर्टफोलियो इकट्ठा करना स्टार्ट करूंगा, तो ये वो समय आ रहा है जब आपको अच्छे शेयर्स अच्छे दाम पे मिलेंगे। बाजार इतनी हाई पी पे चल रहा था, बाजार की वैल्यूएशंस बहुत हाई थी, अब बाजार की वैल्यूएशंस अच्छी होने वाली हैं, अब आप घबरा के बाजार से बाहर हो जाएंगे। तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी, बाजार से अब घबरा के बाहर होने का टाइम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दूर बैठ के देखिए, मौके का तलाश कीजिए, अच्छे शेयर्स मिलेंगे, उसमें ट्रेडिंग करेंगे। ये तो रही बात निफ्टी की, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, और जो बैंक निफ्टी के लेवल समझ में आ रहे हैं वो है 28,586 का मेजर सपोर्ट रहने वाला है बैंक निफ्टी का। और अगर 28,586 तोड़ेगा तो मैं शॉर्ट की पोजीशंस लेने वाला हूं 28,250 के लिए, 27,720 के लिए, 26,875 के लिए। मैं लेवल रिपीट करता हूँ, 28,586 अगर ब्रेक होता है तो वहां से 28,250 28,250 27,718 27,718 और 26,875 ये शॉर्ट की पोजीशंस होंगी। अगर आपको बाइंग करनी है, अगर मुझे बाइंग करनी होगी तो मैं 29,310 से ऊपर चलेगा तो ही बाइंग करूंगा, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए 29,130 के आसपास का, और वहां पे मैं पोजीशंस लेने वाला हूं 29,700 30,270 के लिए। ये पोजीशंस रहेंगी मेरी बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं रिलायंस की पोजीशंस क्या निकल के आ रही हैं। दोस्तों रिलायंस की बात कर लेते हैं, रिलायंस का चार्ट कैसा दिखाई देता है और उसके लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। रिलायंस में भी वही फॉल का सिलसिला जारी रहा और अच्छी खासी सेलिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पे 1306 का एक बहुत मेजर सपोर्ट है, 1306 का एक मेजर सपोर्ट है। 1306 का टूटता है, यहाँ पे लो भी 1303 के आसपास का लगा है, अब 1306 का बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहेगा। 1306 टूटेगा तो मेरा मैं अपना ट्रेड लेने वाला हूँ 1290 1270 और 1230 के लिए। ये लेवल्स रहेंगे रिलायंस के जो लेवल आने ही चाहिए, और अगर मुझे बाइंग करनी भी है तो 1335 से ऊपर चलेगा तो बाइंग करूंगा। 1335 के ऊपर चलता है तो 1327 के आसपास का मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ 1350 1375 के लिए या 1413 के लिए। बट ये सभी अपॉर्चुनिटीज एग्जिट अपॉर्चुनिटी होंगी। दोस्तों कोरोना वायरस हो या कोई भी नेगेटिव न्यूज हो, जब तक बाजार से फिल्टर आउट नहीं हो जाती, जब तक कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट मार्केट नहीं देता है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नहीं होते, बाजार में आप प्लस का ट्रेड अभी नहीं ले सकते। और हाँ, हर ट्रेड आपको वैल्यू बाइंग का अपॉर्चुनिटी जरूर देगा, तो अपने चुनिंदा शेयर्स की एनालिसिस करके रखिए, उसके बाद आप ये रिग्रेट मत कीजिएगा कि आपके हाथ से कोई रैली छूट गई। चलिए अब हम कोशिश करते हैं देखने की HDFC बैंक, ये लास्ट स्टॉक रहेगा इस एनालिसिस का, इस स्टॉक ऑब्जर्वेशन का, कि HDFC बैंक का चार्ट कैसा दिखाई देता है और आगे आने वाले लेवल्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों HDFC बैंक का चार्ट भी बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है, ये सब सारा सेंटिमेंट एक के साथ बिगड़ा है। और यहाँ से जब HDFC बैंक ने 1195 का हाई लगा दिया था दिन में, वहां से बाजार जो गिरा है उसने 1166 का लो लगाया है, ये बहुत जबरदस्त फॉल था। हालांकि एक पुलबैक भी देखने को मिला, 1177 के आसपास में क्लोजिंग हुई है, 1177 के आसपास में क्लोजिंग भी हुई है। पर लेवल्स क्या निकल के आ रहे देख रहे हैं, यहाँ से 1170 का एक बहुत जबरदस्त 1170 का मेजर सपोर्ट रहने वाला है। 1170 को तोड़ता है तो आई विल ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ 1160 1145 एंड इवेंचुअली 1119। 1170 अगर तोड़ता है 1160 1145 1119 के लिए मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, और अगर ऊपर चलता है 1192 से ऊपर 1192 से ऊपर चलता है तो मैं स्टॉप लॉस लगा के 1187 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेने वाला हूँ 1203 के लिए,
1220 के लिए, 1247 के लिए। मेरा ट्रेड अपसाइड के जो टारगेट्स रहेंगे 1203, 1220 और 1247 के होने वाले हैं, पर जिसके चांसेस नहीं है तो प्लीज सिक्स स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। कोई भी पुलबैक बाजार से निकलने का ही संकेत होगा। अभी जब तक बाजार फिल्टर आउट नहीं हो जाता है आपको बड़े बड़े ट्रेड्स में काम नहीं करना। दोस्तों ये बाजार एक पैनिक सिचुएशन में है, बाजार में हर तरफ से न्यूज अच्छी नहीं आ रही है, तो आपको अपने एनालिसिस पे ध्यान देना है, आपको अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, आपको ये नहीं देखना है कि बाजार में दुनिया क्या कर रही है। वॉरेन बफेट साहब कहते रहे हैं कि जब दुनिया बेच रही हो वहां पे आपको अपने बाइंग के मौके तलाशने चाहिए, वैल्यू बाइंग वैल्यू इन्वेस्टिंग के मौके आपको तलाशने चाहिए। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के मौके आपके सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स जो हैवी वैल्यूएशंस पे थे उनके वैल्यूएशंस सस्ती हो रही हैं। उन वैल्यूएशंस के मेथड्स को स्टडी कीजिए, कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखिए, बाजार में समझिए कि कौन सा सेक्टर आगे आने वाले टाइम पे आउट परफॉर्म कर सकता है, वो एनालिसिस कीजिए, डेटा एनालिसिस आपके काम आएगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट इन एनालाइजिंग द मार्केट्स, और प्लीज इन लेवल्स पे काम करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि दिए गए लेवल्स पे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आई होप ये आपके मदद करने वाला है। I wish you all the best, a good health, take care, good night, love you all, bye-bye.